नमस्कार दोस्तों, मैं हम सूर्य है। आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज, किसी का भाई किसी की जान का नेशनल मल्टीप्लेक्सेस में यानी कि पीवीआर आईनॉक्स सिनेपोलिस में किस तरह का टिकट बिका है, कितनी कमाई हुई है ये मैं बताने वाला हूँ। एडवांस बुकिंग अपडेट आ चुकी है, 58K तक के टिकट्स बिके हैं। रात को अगर हम 10 बजे तक का आंकड़ा एक ध्यान में या नज़र में डालें, और कहा जा रहा है कि इसका पूरा जो लाइफ टाइम रन रहेगा, एडवांस बुकिंग का, तब तक ये 58K ज़्यादा से ज़्यादा 60K तक चले जाएंगे, यानी 60,000 टिकट से बिके हैं नेशनल मल्टीप्लेक्सेस में। ये मोटा मोटा आंकड़ा सामने आ रहा है। और पठान का जो आंकड़ा था वो 5 लाख के ऊपर का टिकट का था, इसका 60,000 का। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से इसका जो रिस्पॉन्स है ठंडा है। अब एडवांस बुकिंग की बात करें तो सिर्फ नेशनल मल्टीप्लेक्सेस की बात करें तो वो 1 करोड़ 8 लाख के ऊपर नज़र आ रही है, उससे ज़्यादा नहीं नज़र आ रही है। यानी कि एकदम मोटा मोटा भी पकड़े अगर हम सिंगल स्क्रीन्स को भी मिला ले तो 1 करोड़ 80 लाख के आसपास ही सिर्फ ये एडवांस बुकिंग का आंकड़ा जो आएगा पूरे फाइनल एडवांस बुकिंग का, मेरा ऐसा मानना है। कल तक का जो अपडेट्स मुझे आएगी मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल नेशनल मल्टीप्लेक्सेस चैन में ये फिल्म ठंडी फिलहाल लग रही है। इसको इतनी गर्मी में भी इस फिल्म को ठंडी लग रही है, बॉक्स ऑफिस पर ऐसा लग रहा है। बहरहाल आपको इतना शौक है, सरप्राइज़ है, जरूर बताइएगा। मेरी तबीयत भी काफ़ी नासाज चल रही है, अचानक मुझे हल्का जुकाम सर्दी बुखार आ गया है। कल कितना मेहनत कर पाऊंगा किसी का भाई किसी की जान को लेकर मुझे खुद नहीं पता, या फिर चंगेज़ को लेकर, लेकिन हाँ मैं अपनी जी जान लगा दूंगा कल आपको अपडेट्स देने में। तो बॉलीवुड के इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और थोड़ी हिम्मत दीजिएगा, मुझे खड़े होने की फ़िलहाल हिम्मत नहीं लग रही, इतना थकावट लग रही है। मैं बहुत जल्दी सोऊंगा और ये मेरा आखिरी शायद वीडियो होगा, और मैं कल सुबह से ही बिजी हो जाऊंगा। और मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको सबसे पहले रिव्यू बॉलीवुड क्रेजी चैनल पर मिलेगा पूरे इंडिया में। चलिए फल कितने हमेशा की तरह, बाय बाय, और वो भी ओरिजिनल ऑर्गेनिक बिना समोसा खाए।